दही तो घर में था नहीं, फिर ये रायता कैसे बन गया? वो मैंने मौसम भाई से कह दिया था, वो अपना सौदा लेने जा रहे थे ना, तो मैंने कहा हमें भी दही ला दें। वैसे तुम्हारा बिना रायते के बगैर गुजारा नहीं। अच्छा ये बताओ, राबिया के सामने बात तो नहीं की तुमने? वो तो वहीं थी अम्मी, आप तो जानती है ना, वो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, निगाह लगाए कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आयशा बेटा, क्या जरूरत थी उसके सामने मोहसिन से बात करने की? पता है ना उस दिन कितनी बातें बना रही थी वो, अब एक नया झूठ गढ़ लेगी। अब उनके झूठ के डर से क्या जिंदा रहना छोड़ दें अम्मी, उनकी तो आदत है, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहती है वो। हाँ बेटा सही कह रही हो। वैसे मोहसिन की अम्मी भी ना बहुत अपसेट थी, कह रही थी कि अल्लाह अल्लाह करके मोहसिन को एक अच्छी जगह जॉब मिली है और घर के हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, मगर अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि वो हराम कमा रहा है। मैं बता रही हूँ अम्मी आपको, यकीनन ये फुलझड़ी भी ना राबिया खाला ने छोड़ी होगी, बहुत ही फारी औरत है। मैं बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि जरा मोहतात रहा करो, बस तुम्हारा ये सेमेस्टर खत्म हो जाए ना, फिर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। राफे की अम्मी भी जल्दी शादी का कह रही हैं। अच्छा आप छोड़िए इन सब बातों को, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ खाओ चलो। मैंने सारी जिंदगी इस औरत के साथ जाया कर दी, सारे खानदान से कटकर बिल्कुल तन्हा हो गया। इससे तो बेहतर था कि वक्त पे कोई फैसला कर लेता, लेकिन कैसे करता? अपने हाथ तो मैं पहले ही कटवा चुका था। अरे आप मेरी बात तो सुने, क्या कह रही हैं आप? अरे नहीं नहीं पापा, इस सब झूठ है, किसी ने गलत कहा है आपको, आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुने, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? ये कुछ भी ठीक नहीं, पर बताएं तो सही किसका फोन था अम्मी, मैं इस तरह परेशान हो रही हूँ, प्लीज बताएं। राफे की अम्मी का क्या कहा उन्होंने? रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। क्या? हाँ उन्होंने कहा कि अम्मी की चीजें वापस कर दे। और मंगनी खत्म करने की वजह नहीं बताई उन्होंने? उन्होंने कहा है कि तुम्हारा किसी मौसम नामी लड़के से चक्कर चल रहा है, और बल्कि एक ने कई लड़कों से तुम्हारी दोस्ती है जो तुम्हें घर तक छोड़ने आते। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। राबिया खाला, आयशा ये लड़की ना, आयशा मेरी बात सुनो, कौन है भाई, दरवाजा इतनी जोर जोर से पीट रहे, सबर करो। कौन है भाई तुम, जो ये इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही हो, अगर ये टूट गया तो तुम्हारा बाप लाके लगाएगा नया दरवाजा? हाँ दिल तो कर रहा है दरवाजा नहीं आपका सर तोड़ दूं, शर्म नहीं आती आपको लोगों के खिलाफ बहुतान लगाते हुए? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना सीधी हो जाएगी, चल निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? चलो नहीं अम्मी छोड़े मुझे। अरे क्यों तमाशा बना रही है यहाँ पर? तमाशा मैं बना रही हूँ, तमाशा ये बना रही है? क्या चाहती हैं आप? हाँ क्या बिगाड़े हमने आपका, क्यों हमें जीने नहीं दे रही?
क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है? मैं हाथ धोकर पीछे पड़ गई हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ जो सारा मोहल्ला बोल रहा है। क्या हो बेटा, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? अंकल, अंकल राबिया खाला ने मेरे बारे में बातें करी है लोगों से कि मेरा मोहल्ले के कई लड़कों से अफेयर चल रहा है। और थोड़ी कह रही हूँ, और ये मोहसिन भाई से भी मेरे बारे में तो न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है। लोगों से कहती है हराम कमाता हूँ मैं। हाँ तो क्या झूठ बोल रही हूँ, सच ही बोल रही हूँ ना? हाँ शकील भाई, राबिया की बातों की वजह से ना इसके ससुराल वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, उन लोगों ने पूछ गछ करवाई होगी, पता चल गया होगा इसके लक्षण के बारे में। राबिया अपनी जबान को लगा दो। अंकल अगर मैं यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती हूँ या मेरी अम्मी मर्दों के साथ काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। बेटा मैं इसकी तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो उनसे? माफी तो तब देना अगर शर्मिंदा हो अपनी बात पे, इनको तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। सुन रहे हो तुम? देख रहे हो लड़के को जो तो समेत मेरी आंखों में घुस रहा है? राबिया खाला डरे अल्लाह से, एक वक्त आएगा जब आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। अपनी जुबान से जिसे आप लोगों के बारे में जहर उगलती है ना, अल्लाह ताला आपको इसी के जरिए सजा देगा। अरे जा जा, आई बड़ी बद्दुआएं देने वाली, और तू ये क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? हाँ तुझे क्या लगता है ये आंसू बहा के तू ये साबित करेगी कि तू सच्ची है, शरीफ है, बेकसूर है, सच्चाई बदल देगी? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। बस आ गया, क्या हुआ? बहुत हो गया, चल अंदर। डरती रही हूँ मैं किसी से? चल अंदर, चल अंदर। चलो माफ कर दो बेटा, माफ कर दो इस जाहिल के मुंह क्या लगना।